और एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में, और बड़ी खबर है खुशखबरी। इकोनॉमी के लिहाज से बड़ी खुशखबरी है क्योंकि मोदी सरकार में देश की जीडीपी ग्रोथ में हो रहा है इजाफा। तीसरी तिमाही में दमदार 8.4 रही जीडीपी ग्रोथ, अनुमान से कहीं ज्यादा जीडीपी के आंकड़े। इससे पिछली बार की अगर बात करते हैं, इससे पिछली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.6% थी। भारत दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है, देश की इकोनॉमी लगातार आगे बढ़ रही है। तो जाहिर तौर पर देश की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। तीसरी तिमाही में ही अर्थव्यवस्था की रफ्तार, देश की आर्थिक वृद्धि दर ने एक बार फिर से सभी अनुमानों को पीछे छोड़ दिया। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर दिसंबर में जीडीपी वृद्धि दर जो है वो तेज रफ्तार के साथ बढ़कर 8.4% रही। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में ये 4.3% रही थी। सांख्यिकी मंत्रालय ने बाकायदा ये तीसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जारी किए। रिजर्व बैंक ने आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान जताया था। अब इसके जरा मायनों को समझिए। भारतीय अर्थव्यवस्था ने यह रफ्तार ऐसे समय में बना रखी है जब चीन और यूरोजोन आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। IMF ने अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चीन, अमेरिका, जापान, फ्रांस, UK, जर्मनी से बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो ये एक जोरदार छलांग है आर्थिक मोर्चे पर भारत की। बिल्कुल, अगर बात करें तमाम और देशों की, अमेरिका 3.2, चीन 5.2, ब्रिटेन -0.3, जापान की बात करें तो -0.1, और रूस की अगर बात करें तो 5.5% रही है। चलिए ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। 19 दिसंबर 2023 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को ये चुनौती दी गई है। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी। आपको बता दें मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को चुनौती दी है। तो ये बड़ी खबर है। ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज जो सुनवाई होने वाली है। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। 19 दिसंबर 2023 की इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से चुनौती दी गई है। तो देखिए, मुस्लिम पक्ष की ओर से पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है। पूरा मामला ज्ञानवापी से जुड़ा जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देखिए, ज्ञानवापी को लेकर अलग अलग याचिकाएं मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के ओर से दाखिल की गई हैं। उनमें से एक याचिका के ऊपर आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष की याचिका के ऊपर सुनवाई होने जा रही है। और इसी के साथ में खबरों का सिलसिला क्योंकि लगातार जारी है, अगली खबर का रुख करते रंजना। हाँ बिल्कुल, और अगली बड़ी खबर आपको बिहार से बताएंगे। देखिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार का जन्मदिन आज है और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके जन्म दिवस पर बधाई दी है। एक्स पर पोस्ट शेयर किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और लिखा, माता जानकी से उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की प्रार्थना करता हूँ। नीतीश कुमार जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। तो देखिए, पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। माता जानकी से आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की प्रार्थना करता हूँ। ये पोस्ट यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने शेयर किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जन्मदिन है और इसी मौके पर उन्होंने बधाई दी है। साक्षी, बिल्कुल, और तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ट्विटर की ये पोस्ट आप देख रहे हैं, एक्स पर पोस्ट किया गया है। बिल्कुल, तो देखिए आज नीतीश कुमार का जन्मदिन और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी। अगली बड़ी खबर, मैं साक्षी। बिल्कुल, और अगली बड़ी खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई। तीसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था भारी उछाल के साथ में आगे बढ़ी। आपको जानकारी दे दें कि 8.4% की रफ्तार के साथ में अर्थव्यवस्था बढ़ी है जो कि बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए। 6.9% के अनुमान के मुकाबले 8.4% जीडीपी की ग्रोथ रही। पीएम मोदी ने इस दौरान अपनी प्रतिक्रिया साझा करी और कहा कि तेज आर्थिक विकास के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। और देखिए, 2047 का जब हम लक्ष्य देखते हैं तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इस तरीके की वृद्धि दर के साथ में आगे बढ़ना। 6.9, कल इसी बुलेटिन के माध्यम से हमने आपको बताया था कि एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रह सकती है तीसरी तिमाही में, लेकिन उससे कई ज्यादा 6.9 से ज्यादा 8.4% रही आर्थिक विकास की दर। इस बीच राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2023 और 24 में विकास दर के 7.6% रहने के अनुमान लगाए हैं। RBI ने 7.3% रहने का लगाया है अनुमान। 2022 और 23 में 7% रही थी विकास दर और उससे कई ज्यादा इस बार रही है। इसी के साथ में चीन से बहुत आगे भारत रहने वाला है, ये भी अखबारों में जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से
NASU के डेटा से ये भी प्रतीत हो रहा है कि इस वर्ष चीन और भारत के आर्थिक विकास दर के बीच में अंतर और ज्यादा बढ़ने वाला है, यानी कि इंडिया चाइना से आगे रहने वाला है। और रिपोर्ट आज बताती है बात, प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी अपनी, कहा कि 8.4% की विकास दर भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत और इसकी क्षमता को दर्शाती है। सरकार तेज विकास दर बनाए रखने और 140 करोड़ भारतीयों की भलाई और विकसित भारत बनाने के लिए काम करती रहेगी और ऐसे ही काम जारी रखेगी। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात होगी महाराष्ट्र की राजनीति की, जहां पर एक और भूचाल की तैयारी है। शरद पवार को शिंदे को भोजन पर आमंत्रित किया है, 2 मार्च को बारामती में घर पर बुलाया है, अजीत पवार फडणवीस को भी बुलाया गया है, ये सभी नेता बारामती पहुंचेंगे, महारोजगार समारोह में शामिल होंगे। तो इसे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा सियासी भूचाल माना जा रहा है, क्योंकि जरा देखिए किस तरीके से वहाँ अभी पहले आपने देखा कि शिवसेना टूटी, फिर NCP टूटी, और उसके बाद में उद्धव ठाकरे भी अपनी नाराजगी जिस तरीके से जाहिर करते हुए नजर आए, तो उसमें ये नजर आए कि वो भी शिकायत कर रहे हैं, और जब रिश्तों में शिकायतें होती हैं तो मौका होता है रिश्तों को संवारने का। और अब यहाँ पर ये खाना साथ में बैठना, ये भी एक डिप्लोमेसी है, अब इसका अंजाम क्या होगा ये देखना होगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ सकता है, तो नजर हमारी लगातार इस पर बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, 1 मई को 36 लाख केंद्रीय कर्मचारी करेंगे हड़ताल, ट्रेन रोकने की चेतावनी भी उनके द्वारा दी गई है, मजदूर दिवस पर हड़ताल की चेतावनी दी गई। तो अपनी तमाम मांगों को लेकर करीब करीब 36 लाख कर्मचारी हड़ताल करने का उन्होंने निर्णय लिया है। इसके अलावा ना सिर्फ हड़ताल बल्कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रेल रोकने की का भी ऐलान इस दौरान किया गया है, ट्रेन रोकने की चेतावनी उनके द्वारा दी गई है। तो 1 मई को 36 लाख कर्मचारी अपनी तमाम मांगों को लेकर हड़ताल करने वाले हैं। मजदूर दिवस होता है इस दिन, और इसी दिन हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है, ट्रेन रोकने की भी चेतावनी दी गई है। बड़ी खबरों में आके बिहार के सीएम नीतीश कुमार का जन्मदिन आज है, और ऐसे में तमाम जो नेता हैं वो उन्हें जन्मदिन पर बधाई दे रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार ने बधाई दिया था, और प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्स पर पोस्ट कर सीएम नीतीश कुमार ने बधाई दी है, तो ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार को जन्मदिन पर बधाई दी है। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी का ये पोस्ट, प्रधानमंत्री ने पोस्ट शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी है। तो इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके जन्मदिन पर बधाई दी थी, और ये देखिए ये तस्वीर और ये पोस्ट जहां नरेंद्र मोदी ने भी आज सीएम नीतीश कुमार को उनके जन्म दिवस पर बधाई दी है। बेस्ट विशेस टू बिहार सीएम श्री नीतीश कुमार जी ऑन हिज बर्थडे, प्रेइंग फॉर हिज लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ एंड सर्विस ऑफ द पीपल। ये पोस्ट प्रधानमंत्री का बिहार के सीएम नीतीश कुमार के जन्म दिवस पर। और देखिए बिहार के सीएम के साथ साथ में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का भी जन्मदिन आज है, पीएम नरेंद्र मोदी ने स्टालिन को भी जन्मदिन की बधाई दी है। एक्स पर पोस्ट कर सीएम स्टालिन को बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई है। प्रधानमंत्री ने लिखा है, बर्थडे ग्रीटिंग्स टू थिरू एम के स्टालिन जी, सीएम ऑफ तमिलनाडु, मे ही लीड अ लॉन्ग एंड अ हेल्दी लाइफ। तो नीतीश कुमार के साथ साथ में एम के स्टालिन जी का, क्योंकि आज जन्मदिन है, उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बधाई दी गई है। ट्वीट करके उनकी दीर्घायु की प्रार्थना यहां पर कही गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। और देखिए ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक्स के माध्यम से ये पोस्ट किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, जहां पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को उनके जन्मदिन की बधाई दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो नीतीश कुमार के साथ साथ में एम के स्टालिन का जन्मदिन, और दोनों ही नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्थडे विश किया है एक्स के माध्यम से, और वो ट्वीट भी वो पोस्ट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर एक्स के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई यहां पर दी है जन्मदिन की एम के स्टालिन को, मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, और उनको उनकी लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए ये ट्वीट बर्थडे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक्स प्लेटफॉर्म पर किया गया है। और देखिए पूरे मणिपुर की अगर बात करते हैं, तो मणिपुर में अब भी शांति की, अमन की अब भी तक दरकार है, और ये उम्मीद की जा रही कि जल्द शांति वहां पर हो। पूरे मणिपुर में अफ्सपा लगाने की आहट इस बीच आ रही, कुकी के साथ नो अटैक समझौता खत्म करने का प्रस्ताव कई जिलों ने सेना मांगी है, 1000 पुलिस कमांडोज ने हथियार नहीं उठाए। कल आपने नाराजगी का एक तरीका देखा था कि किस तरीके से मणिपुर में जो नाराजगी है वो सामने आई थी, कि अधिकार ही नहीं है
कि आप वहाँ पर किसी तरीके से खुद का बचाव भी कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से आपने कुकी मेहता के बीच में लगातार विरोधाभास देखा, जो खींचतान देखी, उस बीच अब खबर ये है कि अफसपा की ओर, पूरे इलाके के अंदर अफसपा की ओर हालात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो इस तरह के हालात इस वक्त हैं, और अगर अभी भी वहाँ पर जो संगठन खास तौर पर जो वहाँ का माहौल को ख़राब कर रहे हैं या फिर जो अधिकारियों को तक को किडनैप कर लेते हैं, तो ऐसे में अगर यही चलता रहा तो फिर अफसपा की ज़रूरत पड़ेगी पूरे इलाके में। और एक्चुअली आगे बढ़ेंगे, बात होगी पेपर लीक मामले की, जिसमें बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल जयपुर दौसा में 12 ठिकाने पर दबिश हुई है, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। शिक्षक राजेंद्र के ठिकाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो जयपुर, भरतपुर, दौसा में राजस्थान पुलिस ने आपको बता दें दबिश दी, और दबिश देते हुए करोड़ों की संपत्ति का खुलासा किया है। अब आरोपी नए कानून के तहत ईडी की जब्त होगी संपत्ति अटैच कर सकती है, ये बड़ी जानकारी है। दरअसल आपको बता दें तलाशी के दौरान पुलिस अधिकारियों को पेपर लीक से जुड़े हुए कई दस्तावेज भी जब्त हुए हैं। विभिन्न प्रतियोगिताओं से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के दस्तावेज यहाँ से बरामद हुए हैं। एडीजी का कहना है कि तलाशी के दौरान कई संदिग्ध डॉक्यूमेंट मिले हैं, इनसे पेपर लीक के मामले में आगे की जांच में काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। आरोपी जो है उनके द्वारा, आरोपी पटवारी हर्षवर्धन सिंह मीणा और इसके अलावा शिक्षक राजेंद्र यादव, इनके ठिकाने पर तलाशी हुई। तलाशी के दौरान करोड़ों रुपए की संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। एडीजी ने बताया है कि आरोपी के पास से, जो राजेंद्र यादव है, उनके पास से करीब 18 करोड़ रुपए की संपत्ति के दस्तावेज मिले, जिसमें कई मकान हैं, प्लॉट्स हैं, दुकानें हैं, आवासीय जमीन है, उनके भूखंड शामिल हैं। आरोपी पटवारी हर्षवर्धन सिंह मीणा के पास से भी करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज जब्त हुए हैं। साथ ही आपको बता दें आईपीएस वीके सिंह का कहना है नए कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें संपत्ति अटैच करने का प्रावधान है। नए कानून में दोषी पाए जाने पर 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का और आजीवन कारावास का प्रावधान है। इसके साथ ही इस मामले में अब ईडी भी एक्शन ले सकती है, क्योंकि तलाशी के दौरान 18 करोड़ रुपए की संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो पेपर लीक से मामले में जुड़ी हुई कार्रवाई है लगातार आगे बढ़ रही है, और जाँच का दायरा, छापेमारी का दायरा भी लगातार आगे बढ़ रहा है। बढ़ेंगे खबरों में आगे, बाघों के संरक्षण के लिए बड़ा कदम, बिग कैट अलायंस के गठन को मंजूरी मिल गई है, भारत में होगा मुख्यालय, कैबिनेट ने 150 करोड़ रुपए मंजूर किए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बाघों के संरक्षण के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। कैबिनेट ने 150, आपको बताते चले कि संरक्षण को लेकर ये बड़ा कदम, और भारत में होगा मुख्यालय, कैबिनेट ने 150 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और बिग कैट अलायंस के गठन को यहां पर मंजूरी। और इसी के साथ में पीएम की अध्यक्षता में दिल्ली में सीईसी की बैठक रखी गई, बैठक में राजस्थान की सीटों के ऊपर मंथन हुआ, बीजेपी के सभी 25 टिकट्स फाइनल किए गए हैं, कम से कम 10 सीट पर बदले जाएंगे चेहरे, जो जानकारी मिल रही है। सीईसी की ये बैठक रखी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक दिल्ली में रखी गई थी। बैठक में राजस्थान की सीटों के ऊपर मंथन किया गया। तो देखिए, लोकसभा चुनावों से पहले मंथन लगातार जारी है, लिस्ट सामने आ सकती है। इस बीच राजस्थान की सीटों के ऊपर भी मंथन किया गया, कम से कम बताया जा रहा है कि 10 सीटों के ऊपर चेहरे बदले जा सकते हैं। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में क्राइटेरिया पूरी तरीके से बीजेपी के द्वारा बदल दिया गया है, वहीं राजस्थान को लेकर भी चर्चा लगातार जारी है। पूजा, और आगे बढ़ रहे हैं बातों की अंतरिक्ष की। अंतरिक्ष में टली टक्कर, अमरीकी यान और रूसी सैटेलाइट में टली टक्कर, पृथ्वी से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर करीब से गुजरे, नासा ने अनहोनी टलने पर संतोष जताया, अंतरिक्ष में बढ़ते कबाड़ पर चिंता जताई, समस्या से निपटने पर मंथन भी हुआ। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश की खबर आपको बताएंगे, जहां पर सीएम जगन रेड्डी जारी करेंगे 708 करोड़ रुपए, जगन्ना विद्या दिवेना योजना की ये किश्त होगी जिसे जारी किया जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर 2023 ये किश्त होगी जो जारी की जाएगी। करीब 10 लाख छात्र और उनकी माताओं के बैंक अकाउंट में ये रकम पहुंचेगी। द हिंदू के हवाले से ये खबर है, सीएम जगन रेड्डी जारी करेंगे 708 करोड़ रुपए की किश्तें, जो कि सीधे जो छात्र हैं वो और उनकी जो माँ है उनके अकाउंट में जारी होगी। जगन्ना विद्या योजना इसका नाम। और देखिए अगली खबर का रुख करते हैं, सीपीआई मार्क्सवादी ने किया है विरोध प्रदर्शन, विजयवाड़ा में डिज्नीलैंड में बूचड़ खाना खोलने का विरोध इनके द्वारा किया गया है, और कहा गया है कि अजीत सिंह नगर और बॉम्बे कॉलोनी के बीच में बूचड़ खाना खोलने का बड़ा विरोध है। इस इलाके में डंपिंग यार्ड स्थापित करने का पहले से ही विरोध होता रहा है, और एक बार फिर से विरोध शुरू हो गया है। द हिंदू के हवाले से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।